गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ईवीएस में पेज नंबर 43 करेंगे। ओके बच्चों, और पेज नंबर 43 कौन से चैप्टर में से है, कौन से चैप्टर का है? चैप्टर 7 माई स्कूल का। ओके बच्चों, तो पेज 43 निकाल लीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? आपको याद है जब आप पहले दिन स्कूल जाते हो? How did you feel that day? तो आपको कैसा महसूस होता है? Tick the correct face। उस यहाँ पर आपको कुछ faces दिए हैं, उस पर हमें क्या करना है? Red का sign लगाना है। ठीक है? जैसे आपको महसूस होता है स्कूल में first day, तो आपको उस face पर tick लगाना है। Angry, angry क्या होता है? Angry, angry means नाराज। एंग्री मीन या गुस्सा करना, एंग्री मीन्स गुस्सा करना। ठीक है, तो आपको गुस्सा आता है, आप नाराज होते हो, नहीं ना? सैड, सैड मीन्स दुखी, तो आप दुखी होते हो जब स्कूल जाते हो, नहीं? ठीक है, नेक्स्ट हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। जब आप स्कूल जाते हो फर्स्ट डे, तो आप खुश होते हो ना, तो इस पर राइट का साइन आ जाएगा। और शाय, शाय मीन्स शर्मीला, तो आपको शर्म आती है जब आप स्कूल जाते हो फर्स्ट डे स्कूल जाते हो, तो आपको शर्म आती है ना, तो इस पर राइट का साइन लगाएंगे। तो एंग्री, सैड, हैप्पी, शाय, तो हमने लगाया हैप्पी पर और शाय पर। फर्स्ट डे जब हम स्कूल जाते हैं तो हम खुश होते हैं और शर्म आती है हमें, हम शर्मीले होते हैं, सॉरी हमें क्या आती है? शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है। तो शाय महसूस करते हो आप, क्या महसूस करते हो? शाय महसूस करते हो, है ना? अब आगे क्या दिया हुआ है? फाइंड द नेम्स ऑफ अवर हेल्पर्स इन स्कूल। आपको इसमें क्या करना है? स्कूल में जो भी हेल्पर्स आपकी मदद करते हैं, यहाँ पर एक क्या दिया है, ऐसे बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हेल्पर्स नेम फाइंड करना है। हेल्पर्स कौन से जो आपको स्कूल में मदद करते हैं, उस पर हमें क्या करना है, सॉरी उसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए कौन कौन से हेल्पर्स मिल गए यहाँ पर मुझे। एक तो मिल गया मुझे PEON, पियोन, पियोन मिल गए हमें, पियोन चपरासी। नेक्स्ट क्या मिल गई? TEACHER, टीचर, टीचर मीन शिक्षक। तो देखिए पियोन मिल गया, टीचर मिल गया। नेक्स्ट है हमारा गेट कीपर, तो हमें मिल गया गेट कीपर, GAKEEPER, गेट कीपर। तो यहाँ पर हमें गेट कीपर मिल गया। और क्या मिल गया हमें यहाँ? प्रिंसिपल, तो PRINCIPAL, प्रिंसिपल। तो हमें कौन कौन मिल गया? टीचर, पियोन, गेटकीपर, प्रिंसिपल। तो हमें कितने हेल्पर्स मिल गए? 1, 2, 3, 4। तो जैसे मैंने क्या किया है, लाइन कर दी है। देखिए यहाँ पियोन मिला, तो ऐसे हमने लाइन कर दी। पियोन मतलब समझ में आ गई हमारी स्पेलिंग, पियोन की कौन सी है, तो हमने पियोन फाइंड कर लिया। ओके बच्चों, क्या कर लिया? पियोन फाइंड कर लिया और हमने ऐसे लाइन बना दी। ऐसे टीचर फाइंड कर लिया और लाइन बना दी, गेटकीपर फाइंड कर लिया लाइन बना दी, ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड कर लिया लाइन बना दी। ओके बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। और आपको किस में करनी है ये वाली एक्सरसाइजेस? दोनों किस में करनी है? बुक में ही करनी है, केवल, ओनली राइट इन द बुक, केवल इसी में करनी है। चलिए अब हम आपको नोटबुक में वर्क करवाते हैं। देखिए बच्चों, ईवीएस में ये वाला वर्क आपको नोटबुक में करना है। तो मैंने डेट डाल रखी है, ठीक है बच्चों। होमवर्क, ईवीएस चैप्टर 7 माई स्कूल, ठीक है बच्चों। देखिए क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। राइट द
names of our helpers in school. यहाँ पर आपको क्या लिखना है, helpers लिखना है. कौन से helpers लिखना है, जो हमारे school में मदद करते हैं. ठीक है बच्चों, तो देखिए कौन कौन से हैं. PRINCIPAL प्रिंसिपल 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 प्रधानाचार्य. ठीक है, नेक्स्ट वन LIBRARIAN लाइब्रेरियन. क्या है ये, लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष. कौन होते हैं लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष. नेक्स्ट है PEO पियोन. पियोन मीन्स चपरासी. नेक्स्ट है TEACHER टीचर. टीचर शिक्षक. टीचर शिक्षक. नेक्स्ट वन GATEKEEPER गेटकीपर. गेटकीपर 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 या द्वारपाल, तो ये भी बोल सकते हैं हम. तो कौन कौन से हेल्पर्स हो गए, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, प्योन, प्योन, टीचर, गेटकीपर. ओके बच्चों, ये वाला वर्क हमें किस में करना है, नोटबुक में करना है. ठीक है, तभी बच्चे अच्छे से वर्क करिएगा, नीट एंड क्लीन राइटिंग में. टिल देन गुड बाय.